लक्ष्मी घनाश्लेष प्रवानंदन नंदितम् निष्टितार्थम् अजम् नौमि परमात्मानम् अव्ययम्। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री शुभचंद्र महाराज विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में धर्म ध्यान करने की जो विधियां बताई गई हैं उन्हीं का क्रमवार वर्णन चल रहा है। सर्ग नंबर 37 चल रहा है, जिसके माध्यम से आपको पिंडस्थ ध्यान की विधि बताई जा रही है। पिंडस्थ ध्यान एक तरह की धारणा है और धारणा से उत्पन्न होने वाला ध्यान पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। इस पिंडस्थ ध्यान में आपको बताया गया है कि 5 प्रकार की धारणाओं का आलंबन लेना है, जो पार्थिवी आदि धारणाओं के क्रम से आपको विस्तार से बताया जा रहा है। 2 धारणाएं आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, एक पार्थिवी धारणा और एक आग्नेयी धारणा, पृथ्वी संबंधी और अग्नि संबंधी। इन धारणाओं को करने के बाद में अभी वह ध्यान और धारणा का कार्य पूरा नहीं हुआ। आग्नेयी धारणा के बाद में मारुति धारणा का क्रम आता है, जो आपको आगे बताया जाना है। इन धारणाओं और ध्यान के माध्यम से एक गृहस्थ अपने मन को थाम सकता है, अपने मन को रोक सकता है, क्योंकि मन को रोकने के लिए, मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए हमें प्रारंभ में किन्हीं ना किन्हीं वस्तुओं का आलंबन सहारा लेना पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब भी कभी हम ध्यान की बात कहते हैं तो कहा जाता है, भाई एकाग्र हो जाओ। एकाग्र होने का मतलब ही होता है कि एक अग्रभाग पर बस आपका ध्यान, आपका चिंतन टिक जाए। अब किसी एक अग्रभाग पर, किसी एक मुख्य वस्तु पर अपने चिंतन को टिकाना बहुत मन के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन का स्वभाव रुकने का होता नहीं, मन का स्वभाव घूमने का होता है, वेगशील होता है, इसलिए वह हमेशा गतिमान रहता है। उस मन को रोक करके किसी एक ही मुख्य वस्तु पर उसको टिका देना, इसका नाम ध्यान कहलाता है। और ध्यान की यह परिणति इसलिए थोड़ी सी कठिन महसूस होती है कि जब भी कभी हम मन को किसी एक स्थान पर टिकाने की कोशिश करते हैं तो कई बार तो हमें यही पता नहीं होता कि किसको कहाँ टिकाएं। जहाँ जहाँ पर हम मन को टिकाना चाहते हैं, मन को वहाँ पर कभी सुख नहीं मिलता तो मन फिर वहाँ से भी हट जाता है। समझ आ रहा है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मन को कहाँ टिकाना चाहिए और मन को कहाँ पर टिकाने पर सुख मिलेगा और मन कहाँ पर टिका रह सकता है। जब हमें सही स्थान का ज्ञान होगा तो हम उस मन के साथ में कुछ व्यायाम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये भी एक व्यायाम है। एक तन का व्यायाम होता है, एक मन का व्यायाम। एक तन की एक्सरसाइज है और एक ये मन की एक्सरसाइज। तन की एक्सरसाइज के लिए तो बहुत सारे आसन आपको उपलब्ध हैं, है ना, योगासन सैकड़ों प्रकार के, है ना, कम से कम 84 प्रकार के तो हैं ही हैं और सैकड़ों प्रकार के उसके और मेथड बन जाते हैं। तो तन के लिए व्यायाम करने के लिए, तन को व्यवस्थित बनाने के लिए, शरीर को स्ट्रेस देना, एनर्जी देना, शरीर में हर तरीके से मूवमेंट करना, ये सब तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक मन व्यवस्थित नहीं होता
तब तक शरीर के साथ किए हुए तरह तरह के आसन और व्यायाम भी कोई बहुत देर तक लाभ नहीं दे पाते, क्योंकि आपका मन अगर ठीक नहीं है तो आप तन के साथ भी अच्छे ढंग से व्यायाम नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? आपने कोई भी आसन, कोई भी तरह का व्यायाम करने की कोशिश की, किसी भी तरह का भाव किया और मन आपका साथ नहीं दे रहा, मन उन्मना है, तो आप किसी भी तरह का शरीर के साथ में भी किसी भी व्यायाम और आसन की स्थिति में टिक नहीं पाएंगे और उसको भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मन की ज़रूरत है, मन के स्थिर होने की ज़रूरत है। फिर साथ ही साथ जब ये सब भी होने लग जाए तो उसके बाद भी मन को व्यवस्थित बनाए रखना ये बहुत कठिन काम होता है। सभी तरह की सेटिंग हो जाने के बाद में भी मन सेट हो जाए, माइंड सेट हो जाए, ये कठिन होता है। क्या सुन रहे हो? सब तरीके की सेटिंग आपके हाथ में है, लेकिन माइंड सेटिंग जो है, अगर आपने करना नहीं सीखा तो सब सेटिंग खराब हो जाती है। कोई भी चीज़ है, आपने बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ सेट कर लिया, घर बना लिया, परिवार बना लिया, दुकान बना ली, सब चीज़ बन गई, लेकिन आपका माइंड सेट नहीं हो रहा, कहीं पर भी टिक नहीं रहा, जो बनाया है वो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है कि सब और गड़बड़ कर लिया और सब बेकार सा बन गया, ये क्या बनाना सोचा था और ये क्या का क्या बन गया। समझ आ रहा है? तो कुछ भी आपने जो उस समय पर टाइम वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया, वो सब आपके लिए एक सिरदर्द बन जाएगा अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो, है ना? तो माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है, मन की एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। मन की एक्सरसाइज किए बिना आप भीतर से अपने आप को बहुत देर तक एक भाव में स्थित नहीं रख सकते हो, है ना? अगर आपको कहीं सुख भी मिल जाए तो सुख में भी एक भाव में आप रह नहीं पाओगे, मन वहाँ से भी उछट जाएगा। क्या समझ आ रहा है? अगर मन को सुख भाव में भी बिठाने की कोशिश करें तो वह मन वहाँ से भी हटेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यहाँ पर सुख है कि नहीं। अब थोड़ी देर रुकना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा कि वहाँ सुख है कि नहीं। नहीं समझ आ रहा? और जब तक थोड़ी देर रुकने की ठहरने की बात आती है, उससे पहले ही वह अपनी स्वभाव के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार वहाँ से हट जाता है। बोले यहाँ समझ नहीं आ रहा। आपने कोई मच्छर देखे हैं? देखे तो होंगे। हाँ, और मच्छरों की भी आपने कभी सिचुएशन देखी हो कि मच्छरों की भी कभी टेंडेंसी देखने की कोशिश करना कि वो बैठते हैं जगह जगह। समझ आ रहा है? कभी इस कपड़े पे बैठ जाएंगे, कभी इस कागज पे बैठ जाएंगे, कभी आपके कपड़े पे बैठ जाएंगे। समझ आ रहा है? और वो कुछ ढूंढते हैं, उन्हें जब अपने अनुसार, अपने जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार जब तक नहीं मिलता, थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पे, कुछ टटोलते हैं, और जब उन्हें समझ नहीं आता कि जो अपने को चाहिए वो यहाँ नहीं है, तो वो फ्लाई अगेन वहाँ से जो है उड़ जाता है। समझ आ रहा है? फिर वह कभी ज़मीन पे बैठ जाएगा। अच्छा, उसे ये पता नहीं होता कि हमें बैठना कहाँ है, वो सिर्फ जो है उड़ उड़ करके जहाँ उसका मतलब उड़ने के बाद में जहाँ बैठने का हो जाए वहीं बैठ जाता है। समझ आ रहा है? तो उसे ये पता नहीं होता, क्योंकि उसके पास में इतना मन नहीं होता, माइंड नहीं होता कि वो समझ सके कि हमें वहीं बैठना है जहाँ पर हमारे योग की चीज़ मिलेगी। ये दिमाग उसके पास नहीं होता है। समझ आ रहा है? एक ज्ञान उसका काम करता रहता है, श्रुत ज्ञान बस, लेकिन माइंड नहीं है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं है। ये जो उसका काम करता रहता है ज्ञान, वो ज्ञान देखो मच्छर लग रहा है, वो ज्ञान जो है उसको केवल बस, है ना, बिना विचारे ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसको जो है उठाता रहता है, बिठाता रहता है। समझ आ रहा है? तो बहुत कुछ स्थिति भी बिना विचार किए हुए जो लोग ध्यान करने बैठते हैं, उनकी भी ऐसे मच्छरों जैसी स्थिति रहती है उनके भी मन की। क्या समझ आ रहा है? जिन्हें पता ही नहीं किस चीज़ का ध्यान करना, कहाँ पर ठिकाना, क्या प्रोसेस है, कहाँ पर बैठना, कहाँ पर अपने मन को बिठाना, कहाँ बिठाने से क्या मिलेगा, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। वो जस्ट मच्छरों की तरह जो है बस उड़ते रहते हैं, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, कभी वहाँ की प्रकृति, कभी यहाँ की प्रकृति, कभी ये नॉलेज ले ली थी तो उसके बारे में सोच लिया, कभी वो विचार आया था उसके बारे में मैं
तो ऐसे करके उनका मन कहीं नहीं टिकता, समझ आ रहा है? तो उनका मन मच्छरों की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, क्या समझ आ रहा है ना? लेकिन मच्छर को तो फिर भी कभी ना कभी कोई चीज़ मिल जाती है जहाँ पर उसे टिकना होता है, नहीं समझ आ रहा है? जैसे आदमी का शरीर है, अगर उसे मिल जाए तो उसे मालूम है कि उसे वहीं से मिलेगा सब कुछ, समझ आ रहा? देखो ये यहाँ पे आ गया है ना, अभी वो यहाँ बैठा है ना, अभी यहाँ से उठ करके फिर यहाँ आ जाएगा। तो उसे तो पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ बैठना है, वो तो एक अंदाज की बात है कि वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है जा करके, और अंदाज की बात है कि कभी उसे कोई आदमी मिल जाए, आदमी का शरीर मिल जाए, तो उसे लेना क्या होता है, उसके अंदर से जो ब्लड है बस उसको वह जो है चूसना चाहता है, समझ आ रहा है? तो वो अपने जो भी उसके छोटे छोटे से पंख हैं, छोटा सा मुँह है, उससे जो है वो बार बार उसको टच करता है किसी भी चीज़, जैसे यहाँ पे भी बैठा होगा तो यहाँ पे भी देखेगा, यहाँ पे भी कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जब वो देखता है कि नहीं ये बहुत हार्ड है, इसमें कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ से हट जाएगा अपने आप, समझ आ रहा है? और जब वो आदमी के शरीर पे बैठ जाएगा तो सोचता है हाँ अब सही जगह, अब आ गया सही जगह पर, समझ आ रहा है? लेकिन वो अंदाज से बैठ गया, समझ आ रहा है? वो अपने जाने पहचाने तरीके से नहीं बैठा कि ये आदमी है मुझे इसी के शरीर पर बैठना है, उसे नॉलेज नहीं होती, वो बाई चांस की बात है, समझ आ रहा है? तो वो अगर उस आदमी के शरीर पर बैठ गया तो वहाँ पर बैठ कर के भी वो थोड़ी देर देख लेता, भाई इसकी स्किन मोटी है कि पतली है, क्या समझ आ रहा है? ब्लड की थोड़ी स्मेल तो आ रही है, ठीक ठाक है, अपने काम के लायक है, लेकिन इसकी स्मेल को जो इसकी जो स्किन है ना वहाँ तक देखो कितनी बड़ा काम है, स्किन को काट के अंदर ब्लड तक पहुँचना और उसमें से अपने जो है बिल्कुल जैसे मतलब डॉक्टर जैसे होता है आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए सिरिंज से जैसे वो लेता है ब्लड, उस तरीके से वो अपनी सिरिंज में ब्लड भर लेता है, कभी देखा आपने? तो ये जो है उसकी जो एक्टिविटी है या वो जो चाहता है, वो जब उसको मिल जाता है तब जो है उसे लगता है कि हाँ अब हमें सही जगह पर कुछ मिल गया, क्या सुन रहे हो? उस मच्छर को तो फिर भी कभी कुछ मिल सकता है, समझ आ रहा है? कभी कोई पल्ले में उसके कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति उसके पल्ले में आ सकता है, उसके लिए जो है एक मौका मिल सकता है, लेकिन इस मनुष्य के लिए ध्यान करने के लिए, इसको अपना मन लगाने के लिए ऐसा विषय भी नहीं मिलता है जहां पर ये अपने आप को बहुत देर तक टिका पाए, क्या समझ आ रहा है? वो सब्जेक्ट मिलना जहां पर मन टिक जाता है, जहां पर मन बहुत देर तक रम जाता है, जहां पर मन अगर रुक जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना? और उससे उस तरीके से मिलना कि उससे सेटिस्फेक्शन होना, ये तभी हो सकता है जब उसे सही जगह का ज्ञान हो, सही विचार उसके दिमाग में आ रहे हों, और व्यवस्थित जो चीज़ें हैं उसी के मेथड से वह चलते हुए अपने मन को धारणा और ध्यान के माध्यम से रोके, तो उसे कुछ उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने मन को रोकने के लिए कैसी कैसी धारणाओं से अपने मन को गुजारना पड़ता है ना? और अगर आप इसी प्रकार की धारणाओं से गुजारोगे तो ही मन व्यवस्थित होकर के ध्यान में उतरेगा। पिंडस्थ ध्यान कहा जा रहा है, ध्यान बाद में आएगा लेकिन पहले आपको धारणाओं से गुजरना है। पार्थिवी धारणा कैसे की जाती है? तो इसी तरीके से की जाती है ना? अन्य किसी तरीके से आप अपने मनचाही करोगे, अब आप कहो हमें क्या लेना देना स्वयंभू रमण समुद्र से, हमें क्या पता जम्बूद्वीप कहाँ होता है, हमें तो अपने भारत का, क्या समझ आ रहा है, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर हम गए हैं हम उसको याद कर लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो आप कर तो लोगे लेकिन उसके आगे भी जो आपको करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना? जब आपने मन को मंत्र के माध्यम से रोकने की कोशिश भी की, अब आपको मंत्र पर विश्वास नहीं है, तो फिर एक दूसरी गलती आपकी वो होगी, नहीं समझ आ रहा? अब कोई कहे कि मैं क्यों अरहम का ही चिंतन करूं, नहीं समझ आ रहा है? अब नहीं करो तो नहीं करो, लिखा तो शास्त्रों में यही है, जब आपको पिंडस्थ ध्यान करना है
तो पार्थिवी धारणा करने के बाद में, माने एक अच्छे सिंहासन पर बैठने के बाद में, अब आपको अपने नाभि कमल पर है ना एक कमल स्थापित करना है, और इस कमल की रचना में बीचों बीच में कर्णिका में आपको अरहम ही स्थापित करना है। समझ आ रहा है? अब आपकी जिद पड़े तो आप कुछ का कुछ भी कर लो, बात अलग है। क्या रिजल्ट मिलेंगे मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कुछ जो शास्त्रों में लिखा है अगर उसी के अनुसार करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्या समझ आ रहा है? रास्ते बने हुए हैं हर चीज के, अगर आप रास्ते पर चलोगे तो पहुंचोगे कहीं तक, और अपनी मनमानी करते हुए गाड़ी कहीं की कहीं भी डाल दोगे तो उसी गांव से निकलोगे, उसी गांव में पहुंच जाओगे फिर। नहीं समझ आ रहा है? अब आप यही जिद कर लो कि ये रास्ते बने हुए हैं, हमें रास्तों पे नहीं चलना, रास्ते पे तो लकीर के फकीर चलते हैं, हम तो लकीर के फकीर है नहीं है, अपन तो बगल से चलेंगे, जाओ घुस जाओ दूसरी जगह, बगल की जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है आप किसी गांव में चले जाओ, देखते कहां का रास्ता निकल जाएगा, घूमते रहो। नहीं समझ आ रहा? अगर आप रास्ते पर चलोगे तो सुविधा अनुसार टाइम से अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, क्योंकि रास्ता इसीलिए होते हैं, इसीलिए बना हुआ है, ये रास्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है, लिखा हुआ है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर अगर आप इस रास्ते पर चले जाओगे, इतना पेशेंस रखोगे आप, 10 किलोमीटर में जितना टाइम लगाओगे उतने टाइम के बाद अपने गोल पर पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है? ये होता है रास्ते का मतलब। तो जो रास्ता बना हुआ है इसी को मार्ग कहा जाता है, हर तरीके का पाथ बना हुआ है, आप उस पाथ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप आराम से उस पॉइंट तक पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। और जब व्यक्ति अपने मन की करता है, मैं क्यों चलूं इस रास्ते पर, मैं क्यों करूं ऐसा ही, मैं तो इसका अल्टरनेट दूसरा ढूंढता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसकी जगह पर ऐसा कर लेता हूं, मैं इसकी जगह पर ऐसा कर लेता हूं, तो ऐसी मनमानी करने वाले बहुत से लोग हैं। कर लो, कर लोगे, क्योंकि आपका मन है, आपके विचार हैं। समझ आ रहा है? आप कर लोगे, हो सकता है कि आप अपने साथ में और भी 20-30 सैकड़ों लोगों को करा लो, आपकी तरह से और सैकड़ों लोग भी आपके मानने वाले हों जो आपके साथ जुड़ जाएं, कर लें, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी आप वहां नहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है, और ना आप अपने फॉलोअर्स को पहुंचा पाओगे जहां आपको उन्हें पहुंचाना है, और आप भी भटकोगे और दूसरों को भी भटकाओगे, क्योंकि आप रास्ते पर नहीं हो। समझ आ रहा है? हर चीज का एक पाथ होता है, एक ट्रैक होता है ना, अगर हम उसी ट्रैक पर चलेंगे तो हम लकीर के फकीर नहीं हैं। लकीर के फकीर तब तक हैं, ये हमने और अपने आप में एक ईगो पैदा कर लिया अपने लिए। समझ आ रहा है? कई दार्शनिक होते हैं, कई पढ़े लिखे लोग होते हैं, बोले दूसरों के कहे अनुसार ध्यान थोड़ी ना होता है, ध्यान तो अपने मन माफिक होता है। समझ आ रहा है? और हर जिसका मन भटक रहा है उसको बात बड़ी जल्दी समझ में आती है, बोले बात तो सही है, जब ध्यान के भी रास्ते व्यवस्थित हो गए तो फिर सब कुछ व्यवस्थित हो गया, फिर तो सबको एक ही रास्ते पर चलना है, एक रास्ते पर चलने वाला लाइन में लगेगा, एक के पीछे एक लाइन लगाना, हमें किसी की लाइन में नहीं लगना, हम तो स्वतंत्र हैं। समझ आ रहा है? तो आदमी की मानसिकताएं तरह तरह की कुछ पहले से बिगड़ी होती हैं, कुछ उनको बिगाड़ने वाले अच्छे अच्छे है ना स्पीकर मिल जाते हैं, कुछ उनको बिगाड़ने वाले अच्छे अच्छे फिलोसफर मिल जाते हैं, तो उनके सबके जो माइंड सेट जिस तरीके से होने चाहिए वो सबके माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं माइंड सेट होना। माइंड इस तरीके से सेट होना चाहिए कि आपको ये विश्वास आना चाहिए कि हम अगर इसी रास्ते पर चलेंगे तो ही हमारे लिए अच्छे ढंग से मंजिल पर पहुंचाया जाएगा, और ये रास्ते बताने वाले कोई लुटेरे तो है नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? कोई झूठ बोल करके कोई हमसे कुछ ऐंठने की कोशिश कर रहे हो ऐसे तो है नहीं है। नहीं समझ आ रहा? वीतरागी लोग हैं, वीतरागता का मार्ग है। समझ आ रहा है? जिन्होंने दुनिया छोड़ रखी है, जिन्होंने सब तरीके के स्वार्थ छोड़ रखे हैं, और उसके बाद में फिर जब किसी के लिए कुछ बताया जा रहा है तो एक समझदार इंसान को इतने से ही समझ लेना चाहिए कि जिसका कोई घर परिवार बेटे धन बैलेंस कुछ भी नहीं है, वो अगर हमको कोई रास्ता बताएगा तो गलत क्यों बताएगा, इससे इसको क्या मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा? आ रहा है? इसलिए सबसे पहले धर्म ध्यान करने से पहले क्या कहा गया, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, सबसे पहला कौन सा? हाँ, आज्ञा को अगर आप फॉलो करोगे तो अपाय विचय विपाक विचय संस्थान विचय पिंडस्थ
ये पार्थिवी धारणाएं सब चलती चली जाएंगी, सब मिलेगा आपको, क्योंकि आप ट्रैक पे चल रहे हो, समझ आ रहा है। और जहां आपको आज्ञा विचयी नहीं है, तो आपको इन धर्म ध्यान में और इस प्रकार की धारणा में आपका मन बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है, समझ आ रहा है। तो अपने मन को जिनवाणी के अनुसार चलाना या अपने मन को अपनी मनमानी के अनुसार चलाना, ये पहले आप डिसाइड कर लो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, मन मनमानी भी करता है, और मन अगर जिनवाणी के अनुसार चलता है तो वह कहीं पहुंचेगा, ध्यान कर पाएगा, धारणा कर पाएगा। और मन अगर मनमानी करेगा तो हो सकता है, कुछ मन वाले ऐसे भी होते हैं, हाँ ठीक है आप बता रहे हो, आपका भी करके देख लेते हैं, वो बता रहे हैं उनका भी करके देख लेते हैं, जो हमको अच्छा लगेगा वहाँ पे अपना मन लगा लेंगे। नहीं समझ आ रहा है? ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, दे आर सो मैनी शॉप्स, हैं सो मैनी चॉइसेस, हैं हाँ। जब इतनी सारी चॉइस है तो कोई भी एक चॉइस सब में देखने के बाद में जब हम देख लेंगे जहाँ पे हमारा मन लग रहा है वहाँ पे हम लग जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? तो इससे क्या होगा, आपने जो यहाँ पर समय लगाया वो आपका सब समय खराब हो गया। नहीं समझ आ रहा है? आपने एक दुकान पर बैठ कर के जो यहाँ पर समय लगाया और इस समय के लगाने के बावजूद भी, समझ आ रहा है, जो आपको एक सही ट्रैक दिया जा रहा था उस पर चलने के बावजूद भी आपके मन में आया कि नहीं दूसरा भी टेस्ट करते हैं, तो इट मींस आपको इस ट्रैक पर डाउट है। क्या समझ आया? ओम अरहम नमः। जब डाउट है तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी नहीं है, समझ आ रहा है। जब आज्ञा विचय ही नहीं है तो ये कुछ नहीं होने वाला। पढ़े लिखे इंसान के साथ बहुत सारी दिक्कतें इसलिए भी हो जाती हैं, नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उसने बहुत सारा पढ़ रखा है, तो कई तरीके की बातें उसके दिमाग में घूमती हैं, और फिर जब उसको कोई एक ही ट्रैक पर ले जाने की कहता है तो उसे लगता है कि हमारे साथ कुछ ज्यादती की जा रही है। नहीं समझ आ रहा। जब तक आप एक ट्रैक पर विश्वास के साथ नहीं चलोगे, अच्छा मान लो आपने क्या किया, आपसे कहा कि यहां से 10 किलोमीटर दूरी पर आपका गोल मिल जाएगा और आप इसी ट्रैक पर चलो, समझ आ रहा, 10 किलोमीटर, लेकिन बीच में आपको डाउट हो गया तो आपने क्या किया, 1 किलोमीटर चले और फिर जो है एक रास्ता इधर जा रहा था, एक रास्ता इधर जा रहा था, बोले ये भी सही अच्छा लग रहा है रास्ता, बिल्कुल ये भी 4 लाइन बना हुआ है, चलो इधर चलते हैं, समझ आ रहा है, तो आप उधर चले गए। तो जहां आपको 10 किलोमीटर तक लगातार एक भाव में चलना था वहां तो नहीं पहुंचे ना, वो तो नहीं किया आपने। आप 1 किलोमीटर चलने के बाद में फिर आपका टेस्ट बदल गया, फिर आप दूसरी जगह चले गए, फिर वहां से आप दूसरी जगह और चले गए, दूसरी जगह और चले गए, जो मूल रूट था वो तो आपसे कहीं दूर निकल गया। नहीं समझ आ रहा? और रास्ता एक ही होता है, ठिकाने पर पहुंचाने के रास्ते अनेक नहीं होते हैं। अब ये फिर आपके दिमाग में डिस्प्यूट होगा, हाँ हमने तो सुना है सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। नहीं समझ आ रहा है? अल्टीमेटली सब रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं, ये सब भटकाने वाली बातें हैं, समझ आ रहा है। सब रास्ते कभी एक ओर जा ही नहीं सकते, सब रास्ते सब ओर जाते हैं, एक रास्ता ही एक ओर जाता है, ये सीखो आप। क्या समझ आ रहा? सब रास्ते सब ओर जाते हैं, एक रास्ता ही एक ओर जाता है, और जो एक ओर जाएगा वह एक ओर पर चलने करके ही आपको कोई एक चीज मिलेगी, एक मंजिल मिलेगी, समझ आ रहा है। दुनिया की फिलॉसफी जो आपने सीख रखी है उसे आप अपने ज्ञान से तौलने की कोशिश करें, और जो यहां पर आपको ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जा रहा है उसके अनुसार उस कसौटी पर कसने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि हमने बहुत कुछ गलत भी सीख रखा है, और दुनिया में बहुत कुछ गलत ही सिखाया जाता है, बहुत कुछ ऐसा सिखाया जाता है जिससे हर दिमाग भटकता रहता है। समझ आ रहा है? बहुत से महर्षि हैं,
बहुत से ऋषि हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ठिकाने पर बिल्कुल शांति के साथ में ले जाने वाला रास्ता ये वीतराग मार्ग है, ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, जिसके रास्ते पर चलते हुए आप अगर बिल्कुल डाउट लेस होकर के चलोगे तो आप किसी ना किसी मंजिल पर पहुंचोगे, वहीं पर आपके लिए सब कुछ मिलेगा। और अगर इस रास्ते पर आने के बाद भी आप भटक गए तो आपकी स्थिति वही है कि रास्ते पर आप कुछ समय के लिए सही पर आ तो गए थे लेकिन फिर आपका मन नहीं माना तो आप फिर इधर चले गए, उधर चले गए, फिर वहाँ से कहीं और चले गए और रास्तों से रास्ते निकलते चले गए और आप मूल जो रास्ता था उससे आप बहुत दूर चले गए। और जहाँ पर गए वहाँ पर सब आपको ऐसे ही मिलते गए, सब ने आपसे कहा कोई बात नहीं, ये भी कर लो, ये भी करके देख लो, ये भी रास्ते सब जगह एक ही जाते हैं, भगवान का रास्ता सब रास्तों से होकर के एक ही जगह जाता है, भगवान एक है, सबका रास्ता एक है। दीज ऑल आर रॉन्ग कॉन्सेप्शंस, समझ आ रहा है? ये सब जो है हमारी ऐसी गलत धारणाएं हैं जिनमें दुनिया को भटकाने वाले बहुत से लोग हैं और दुनिया इन्हीं में भटक रही है। सब रास्ते कभी एक और नहीं जाते, सब रास्तों पर पहुंच करके एक मंजिल कभी नहीं मिलती। आप अपनी थोड़े से कॉमन सेंस से सोचो, अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो कितने रास्ते होते दिल्ली जाने के लिए? जिस रास्ते पर आपको दिल्ली जाना है उस रास्ते पर चलोगे तभी दिल्ली पहुंचोगे, कि जितने भी रास्ते आपको रास्ते में मिलते चले जा रहे हैं उन सब में पहुंचते चले जाओगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे? क्या समझ आ रहा है? आप फिर आगे चल करके फिर एक चौराहा कटा, फिर आप कहीं के कहीं पहुंच गए, फिर एक चौराहा कटा, फिर आप कहीं कहीं पहुंच गए। अरे सीधा सा रास्ता था दिल्ली जाने का, 60 किलोमीटर था, आप 360 किलोमीटर घूम लिए फिर भी आपको दिल्ली नहीं मिल रही। नहीं समझ आ रहा? और अगर वो 360 किलोमीटर के बाद में फिर आपको फिर घुमा करके फिर दिल्ली लाया जाए तो फिर 360 × 360 या +360, समझ आ रहा है? तो आप फिर आखिर आए तो उसी रास्ते पर ना, तभी तो आप जाकर के फिर वहां से अपनी डायरेक्शन पकड़ोगे। ये दुनिया में ध्यान के मामले में भी इतनी भटकन है, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। हर कोई अपनी आत्मा के लिए, हर कोई व्यक्ति आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता है, हर कोई ईश्वर से मिलना चाहता है, हर कोई ईश्वर में समा जाना चाहता है, हर कोई ईश्वर को एक मानता है, हर कोई ईश्वर का एक रास्ता बना करके रखा है, समझ आ रहा है? लेकिन उस एक रास्ते में भी कौन सा एक रास्ता है जो सही है? एक ही रास्ता। क्या समझ आ रहा है? एक ही रास्ता। जब एक ही रास्ते पर आप चलोगे तो आप बहुत आसानी से कम समय में कम मेहनत में सही ठिकाने पर पहुंच जाओगे। सुन लिया ना? इसलिए बता रहा हूं कि जो ये धारणाएं आपको बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं, ये धारणाएं भी जगह जगह पर अनेक तरह से कराई जाती हैं, ये ध्यान भी जगह जगह पर अनेक तरह से कराए जाते हैं, समझ आ रहा है? लेकिन जो पद्धति जैनाचार्यों ने दी है, आप देखेंगे कि सभी जैन ऋषियों ने, सभी जैन आचार्यों ने वो जो एक स्टैंडर्ड पद्धति है उसी का ही सबने फॉलो किया है, समझ आ रहा है? आप कोई भी ध्यान के ग्रंथ उठा करके देखेंगे सब में इसी तरह से पिंडस्थ ध्यान का वर्णन है, जो ये ज्ञानार्णव में आपको पिंडस्थ ध्यान का वर्णन बताया जा रहा है। पार्थवी धारणा, आग्नेयी धारणा, इन धारणाओं को करने के बाद में अभी ध्यान में आप कब पहुंचेंगे? पहले आपको एक मारुति धारणा और करनी है, समझ आ रहा? फिर एक वारुणी धारणा आएगी, फिर तत्व रूपवती धारणा आएगी, उसके बाद आपको ध्यान होएगा, समझ आ रहा है? पांच धारणाओं के अंत में जो आपकी स्थिति बनेगी उसका नाम है पिंडस्थ ध्यान, ठीक है? तो हम समझते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भटकने की कोशिश कम करेंगे तो आपको कुछ धारणा भी होगी और ध्यान भी होगा, है ना? और अगर आप भटकते रहे तो धारणा भी नहीं होगी, ध्यान भी नहीं होगा। ये अब आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो यहां आपको अब आगे आग्नेयी धारणा के बाद में मारुति धारणा के विषय में कुछ बताया जाने वाला है। विमान पथ मापूर्य संवरंतम समीरणम स्मरत्य विरतम योगी महावेगम महाबलम। क्या कहा जा रहा है? ध्यान करने वाला योगी
क्या स्मृति, स्मरण करता है, चिंतन करता है। एक ऐसा वायुमंडल है, कहाँ पर? इस विमान पथ पर। विमान पथ का मतलब होता है इस आकाश के रास्ते पर, आकाश में चारों ओर वह एक ऐसा वायुमंडल है जो महावेग वाला है और महाबलवान है, ठीक है ना। मतलब अब अग्नि धारणा करने के बाद में जब आपने सब कुछ जला दिया, अग्नि शांत हो गई, ध्यान है ना, ओम अरहम नमः, ध्यान है कि नहीं? सब कुछ जल गया, अग्नि शांत हो गई, लेकिन जलने के बाद राख बचती कि नहीं? कि आपकी राख भी ना बची है? तीसरा आ गया कि नहीं? हाँ, तो पूरी क्रिया करनी ना, उस राख को भी विसर्जित करना है, है ना। तो आप चिंतन करेंगे कि आप ही अपनी ही अर्थी को, आप ही अपनी ही राख को, आप ही अपने ही शरीर की खाक को, है ना, खुद सुपुर्द करेंगे, खाक ही सुपुर्द। क्या समझ आ रहा है ना, कहाँ करना है, समझ आ रहा है? अब वो किसी एक जगह पे तो करना नहीं है, क्योंकि आपने पूरे शरीर की, है ना, अब हड्डियाँ वड्डियाँ कुछ तो बची नहीं, सब राख हो गया, है ना। तो राख हो गई तो उसे अब एक जगह सुपुर्द करने की, किसी कब्र खोदने की तो आवश्यकता ही नहीं है उसको। तो अपन को क्या करना है, हाँ वो यहाँ बताया जा रहा है क्या करना है। तो पहले चिंतन करें कि आकाश में क्या उड़ने लगा, एक बहुत तेज हवा बहने लगी, बहुत वेग के साथ में, हाँ जैसे अभी कुछ दिन पहले तूफान सा आया था, है ना, ऐसा महाप्रचंड वेग वाला, बहुत बलवान ऐसी हवा, हाँ, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ आगे कहा जा रहा है ना, ऐसी हवा चल रही है कि अगर देवों की सेना भी कहीं खड़ी हो तो वो भी हिल जाए। क्या समझ आ रहा है, मनुष्यों की सेना नहीं बताई जा रही, किसकी सेना, हाँ, क्योंकि देवलोग स्वयं में देव होते हैं, विक्रिया वाले होते हैं, उन्हें कोई चलायमान कर दे, उन्हें कोई विचलित कर दे, बहुत कठिन बात होती है, लेकिन वो हवा उन्हें भी विचलित कर दे, समझ आ रहा है। तो ऐसी प्रचंड वायु जो देवों की सेना को भी चलायमान कर दे, हाँ, देखो मेरु पर्वत कभी कपता नहीं है, हिलता नहीं है, लेकिन आप ऐसी प्रचंड वायु वाला, वायु का चिंतन करना कि मेरु भी उससे हिल जाए। क्या समझ आ रहा है, सुमेरु पर्वत कभी भी हिलता नहीं है, लेकिन आप ऐसी कल्पना करो कि वह भी कपने लग गया है, हाँ, और जो चारों ओर आकाश में मेघ छा रहे थे वो सारे तितर बितर हो गए, हाँ, जो समुद्र था हमारे आसपास बिल्कुल शांत था वो भी गर्जने लगा, क्षोभ करने लगा। क्या समझ आ रहा है, और वह समुद्र का पानी, हाँ, बह करके लोक के मध्य में आने लगा, हाँ, हाँ, उस पानी में भी गति आ गई, और यह पवन दसों दिशाओं में ऐसा भ्रमण कर रहा है, संचरण कर रहा है, हैं, ऐसा लग रहा है कि चारों ओर ये हवाई हवा बह रही है, और उस पृथ्वी तल पर प्रवेश करता हुआ वह पवन कहाँ पहुंच जाता है, धीरे धीरे जहाँ पर वह ध्यान करने वाला ध्यानी बैठा है, समझ आ रहा है, योगी बैठा है, उसके जो आसपास जो शरीर की जो भस्म पड़ी है, पड़ी है कि नहीं, शरीर की जो राख पड़ी है, कर्मों की जो राख पड़ी है ना, उस राख को एक ऐसी वायु का झोंका आता है प्रबल, जो क्या करता है, सारी वायु के माध्यम से वो राख उड़ जाती है, और वो चारों ओर तितर बितर हो जाती है, और फिर जाकर के क्या हो जाता है, धीमे धीमे जब सब हवा के माध्यम से वह सारी की सारी भस्म उड़ जाती है, और सब जो है राख इधर उधर हो जाती है, सब खाली हो जाता है, यहाँ पर कोई भी अब आपको राख ले जा करके कहीं पर सिराने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा करने की जरूरत नहीं, तीसरा आपका हो गया है। क्या समझ आ रहा है, फिर धीमे धीमे क्या करना, जो ये प्रचंड वायु चल रही थी वेग के साथ में, अब ये भी धीमे धीमे शांत हो गई, शांत हो गई। जब ये शांत हो जाए तो उसके बाद में फिर अब आगे आती है वारुणी धारणा, जल संबंधी धारणा, है ना। फिर उस वारुणी धारणा में क्या सोचता है, वारुण्याम सही पुण्यात्मा घनजाल चितम नवः इंद्रायुत्तरित गर्जत यमत्काराकुलम चमत्काराकुलम स्मरेत। क्या करता है,
अब उस वायु भी धारणा वारुणी धारणा में वही पुण्यात्मा वही ध्यानी व्यक्ति है ना, अब विचार करेगा चारों ओर आकाश के वातावरण में क्या चल रहा है। एक इंद्रधनुष की रचना हो गई है ना, जब पानी बरसने वाला होता है तो उससे पहले एक इंद्रधनुष की रचना सी हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे चारों ओर बादल भी छाए हैं, अभी सूर्य का प्रकाश भी कहीं से आ रहा है और एक इंद्रधनुष की रचना हो गई। धीरे धीरे मेघ इतने बढ़ गए कि वो इंद्रधनुष की रचना भी नष्ट हो गई, बिजली चमकने लगी। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत बड़ी कड़ाके की बिजली, हाँ, गर्जना करती हुई, हाँ, और ऐसे बादलों की भी गर्जना हो रही है, बिजली भी चमक रही है और चारों ओर जो मेघों का समूह है उससे ये आकाश एकदम से भर गया है, एकदम से बादल उमड़ पड़े, घुमड़ पड़े, ठीक है ना। आप अभी कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? सिंहासन पे बैठे हो, लेकिन सिंहासन भी कहाँ है, ऊपर कहाँ, सब यहीं तो था जमीन पे ही, जम्बू द्वीप के बराबर जो कमल था उसमें, वो कमल भी किसमें था, जो पूरा तिर्यक लोक के बराबर क्षीर समुद्र था उसमें, तो उसमें बैठे बैठे ये सब हो रहा है, हवा भी चल गई, अब पानी भी बरसने वाला है, तो उस समय पर वह क्या विचार करता है, मेघों के बादलों के अंदर से बड़ी बड़ी जल की बूंदें गिर रही हैं, जैसे वो बूंदें बिल्कुल मोती जैसी, अमृत की वर्षा हो रही है ना, खारे पानी की वर्षा नहीं करना अपने ऊपर, किसकी वर्षा करना, हाँ, अमृत की वर्षा करना, और वह बड़ी बड़ी बूंदों के साथ में निरंतर धारा के साथ वह आकाश से वह वर्षा हो रही है, और बड़ी धैर्य के साथ में, बड़ी वीरता के साथ में, क्योंकि आपको धैर्य भी चाहिए पड़ेगा ये धारणा करते हुए, हैं, एक तो अकेले इतना बड़ा समुद्र बना दिया और उसमें आपको अकेले बिठा दिया, और फिर उसमें सब तरीके के आप उपद्रव खुद मोल ले रहे हो क्या समझ आ रहा है, अपने पास में अग्नि जलाना, फिर हवा प्रचंड बहाना, और फिर जो है इतना भयंकर पानी बरसाना, तो ये सब वही कर सकता है जिसके पास में धैर्य भी हो और वीर भी हो, है ना। इसलिए कहा जाता है धीर वीर योगी ही इस तरह के स्मरण करते हुए एकांत स्थान में इस तरह की धारणा से अपने आप को युक्त कर पाता है, नहीं तो कब जाएगा सोचते ही, तो धीर वीर दोनों होना चाहिए। अब ऐसा सोचते सोचते क्या सोचने लग जाता है, चारों ओर जल ही जल है, और वह जल जो है बड़ा अमृतमय जल का प्रवाह है, और वह जल का प्रवाह पूरा ऐसा लग रहा है जैसे खुद आकाश को ही बहा रहा है, इतना तेज जो है वो जल की वर्षा हो रही है। और उस जल की वर्षा का चिंतन करते करते उसे अपने दिव्य ध्यान से ऐसा लगने लग जाता है कि इस जल के माध्यम से, इस शरीर के जलने के कारण से, समझ आ रहा है, जो राख थी वो मोटी मोटी तो उड़ गई थी लेकिन बहुत सी चिपकी रह गई थी आत्मा के ऊपर, समझ आ रहा है, उड़ने के बावजूद भी राख से वो हमारी जो आत्मा का स्थान है वो साफ थोड़ी ना हो गया था, नहीं समझ आ रहा है, राख जो है उड़ तो गई लेकिन अभी भी वह जो चिपकी रह गई थी, जो स्थान साफ नहीं हुआ था, वह आत्मा के प्रदेशों से वह चिपकी हुई शरीर की राख भी अब इस वर्षा के जल से कैसी हो रही है, साफ हो रही है ना। और जितनी भी भस्म थी वह इस वर्षा ने प्रक्षालित कर दी, हमारी आत्मा कैसी हो गई, अब हो गई धुली धुली, कर्ममल से साफ, उजली उजली, जैसे कि समय सार में लिखा हुआ है, वत्थस सेद भावो जहना सेदी मल विमेलना छंडो मिच्छत्त मलो छंडम तैसम मत्तम खुणा दब्बम। क्या लिखा है, हाँ, मैला वस्त्र हो, गंदा वस्त्र हो, वस्त्र काला हो गया हो, तो उस वस्त्र को काला किसने बना दिया, मैल ने बना दिया, समझ आ रहा, वस्त्र तो वास्तव में कैसा था, सफेद था, उजला था, है ना,
श्वेत गुण वाला था, बिल्कुल धवल वाइट था, लेकिन उसको काला बना दिया, कालापन जो उसमें आ गया, जो वो कालापन आ गया, उस कालेपन ने उसकी सफेदी को बिल्कुल दबा रखा था, है ना। ऐसे ही मिथ्यात्व ने, अज्ञान ने, कषायों ने हमारी आत्मा को मैला बना रखा है, हा? और उस मैलेपन के कारण से हमारी आत्मा बिल्कुल जो है, अपनी जो उज्ज्वलता थी, अपनी सफेदी थी, अपने जो गुण थे, अपना जो स्वभाव था, वो सब भूल गई और वह आत्मा काली नीली पीली बस ऐसी होकर के रह गई। हा? जब इस तरीके का हमने ध्यान किया तो ये कर्म की कालिमा ये सब साफ हो गई। अब हमारा सम्यक स्वभाव वैसे ही प्रकट हो गया जैसे किसी वस्त्र को धोने के बाद में, उसकी कालिमा साफ करने के बाद में वो पुनः उजला हो जाता है, वैसे ही अब हमारी आत्मा साफ हो गई, शुद्ध हो गई, कर्म बल से रहित हो गई, उजली हो गई, और हमारी आत्मा के जो गुण थे वह खुद अब हमको अनुभव में आने लगे। और उसके बाद में वह आत्मा विचार करता है, अब मिली शांति। हाँ, क्या विचार करता है? ओम अरहम नमः। आत्मा अतिशय से युक्त है, समझ आ रहा है? हाँ, कमी मत रखो। अब आप बिल्कुल भगवान के बारे में जो आपने पहले सुन रखा था, बचपन में पढ़ रखा था, पाठशाला में पढ़ा रखा था, क्या समझ आ रहा है? भगवान के 34 अत्सय होते हैं, अष्ट प्रातिहार होते हैं, सब अब अपने ऊपर ढालो, मैं ही बन गया भगवान अब तो, क्या समझ आ रहा है? हाँ, कल्पना तो करो एक बार के भगवान कैसे बना जाता है, हाँ? एक बार वह फिर सोचता है, आहा, मैं सिंहासन पर बैठा, हाँ, कैसा सिंहासन था? बढ़िया चांदी का विशाल सिंहासन था, हाँ? और उस सिंहासन पर मेरी आत्मा अब बिल्कुल साफ स्वच्छ हो गई, मेरा अनंत ज्ञान दर्शन प्रकट हो गया, मेरी आत्मा में लगी हुई कालमा साफ हो गई, मेरे चारों ओर देव आ गए हैं, क्या सुन रहे हो? धरणेंद्र आ गया मेरी पूजा करने के लिए, मैं ही पारसनाथ हूं, क्या समझ आ रहा? पद्मावती भी खड़ी है, अरे पगलो क्यों दूसरों के हाथ जोड़ जोड़ करके पागल बन रहे हो? खुद देखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, पारसनाथ भगवान तुम में समा रहे हैं, तुम खुद देखो कि तुम्हारे धरणेंद्र तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है। अरे करो हिम्मत, कब तक दीनहीन बने रहोगे? समझ आ रहा है? पद्मावती तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, धरणेंद्र तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, जितने भी बड़े बड़े इंद्र थे सब तुम्हारे हाथ सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और तुम्हारे ऊपर छत्र लगा रहे हैं, तुम्हारे आजू बाजू में चावल ढलो रहे हैं। सोचो तो, ऐसे दीनहीन मिथ्या दृष्टि लोग हैं, सोच ही नहीं सकते अच्छा अच्छा भी, समझ आ रहा है? और आचार्यों ने कितना लिख रखा है, सोचो, इतना तो विचार करो, इतना तो चिंतन करो कि ये सब देवी देवता, भवनवासी, व्यंतर सब हमारे सामने खड़े हैं, हम किसकी पूजा करें? हाँ? मैं सबसे बड़ा आत्मा, मैं खुद भगवान आत्मा, मैं क्यों इन देवी देवताओं की पूजा करूं? ये उसके दिमाग में आएगा जो खुद भगवान बनने की इच्छा कर रहा हो, समझ आ रहा है? और जिसके लिए अभी भगवान बनने का कोई भी भीतर से कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ, जिसकी भवितव्यता भी जागी नहीं, तो वो अभी भगवान तक पहुंचा ही नहीं, वो भगवान के सेवकों में ही लगा हुआ है, समझ आ रहा है? हाँ, तो बस भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं तो भगवान के सेवकों की ही कर लें, अथवा भगवान की भी कर लेते हैं तो भगवान के सेवकों की भी कर लें, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, वो भी तो भगवान की सेवा करने वाले सम्यक दृष्टि देव हैं, तो उनकी पूजा करने से अपना क्या जा रहा है? उनकी भी पूजा कर लो, कर लो, तुम्हारी पूजा फिर कभी नहीं होगी, तुम कभी भगवान नहीं बनोगे। जब तक तुम देवों की पूजा करते रहोगे तब तक देव तुम्हारी कभी पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों कार्यक्रम उल्टे होते ही नहीं, क्या समझ आ रहा है? और जब तक तुम अपने द्वारा देवों की पूजा नहीं करवाओगे, अपने लिए जो है देवों के द्वारा पूजा नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हारे अंदर का परमात्मा कभी जागृत हो नहीं सकता। कर लो, आपको क्या करना है, चॉइस आपके ऊपर है। इतनी हिम्मत कर सको, मुझे किसी देवता की पूजा नहीं करना, मैं तो केवल अरिहंत भगवान को देव मान करके बैठा हूं, तो अरिहंत को ही अपने में समाऊंगा। अब अगर मेरा आदर्श अरिहंत भगवान है तो यहां बैठ करके पिंडस्थ ध्यान में मैं क्या सोच रहा हूं, मैं खुद अरिहंत बन गया हूं, समझ आ रहा है? मेरी अरहंत दशा प्रकट हो गई, मेरे कर्म धुल गए,
और मेरे अंदर की जो आत्मा में केवल ज्ञान छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान आ गया, चारों ओर मेरे ज्ञान की पूजा करने के लिए देवलोग आए हैं, मेरे 34 अतिशय मुझ में प्रकट हो रहे हैं, करो चिंता, करो चिंतमन, समझ आ रहा है? हाँ, ओम अरहम, हाँ तभी शक्ति आएगी। मिथ्या दृष्टियों के पास तो कहाँ शक्ति होती है, जो खुद भगवान के सामने और देवताओं के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं तो उनके सामने देवता हाथ जोड़ करके खड़ा हो ऐसा सोच कैसे सकते हैं? है नहीं समझ आ रहा? मान लो धर्णेन्द्र तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाए और तुम चिंतन कर रहे हो, अभी तक तो तुम धर्णेन्द्र की पूजा करते रहे, अब धर्णेन्द्र तुम्हारे सामने आकर के खड़ा है तो क्या करोगे? एकदम से तुम उसकी पैर पर पड़ोगे, अरे भाई तुम आ गए, मेरे ध्यान का फल मुझे मिल गया। तो ध्यान का फल ये भी होता है, देवता से लोग सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, अभी आगे बताया जाने वाला इन इस ध्यान के फल से देवता लोग सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जितने भी आपके ऊपर उपद्रव करने वाले देवता हैं वो सब आपके वश में हो जाएंगे, और आप अगर उनको स्वीकार कर लिए, उनके चरणों में पड़ गए, तो फिर अब आपको धर्म ध्यान आगे नहीं होने वाला, शुक्ल ध्यान नहीं होने वाला, अब आपकी चिंतन से जो शक्ति उत्पन्न हुई थी वो शक्ति अब आपकी मिथ्या दृष्टि होने के कारण से, आपकी मिथ्या बुद्धि होने के कारण से वो सब नष्ट हो जाएगी। अब समझ आ रहा है? तो सम्यक दृष्टि के ध्यान में और मिथ्या दृष्टि के ध्यान में ये फर्क हो जाता है। मिथ्या दृष्टि होगा तो धर्णेन्द्र के पैर पड़ेगा, पद्मावती के पैर पड़ने लग जाएगा, और सम्यक दृष्टि होगा तो देखेगा कि वो खुद हमारे हाथ जोड़े सामने खड़े हैं। समझ आ रहा है? बस यहीं पे फर्क है। अगर आप सम्यक्त्व के साथ आगे बढ़े हैं, आज्ञा विषय धर्म ध्यान करते हुए समीपचीन तरीके से आगे बढ़े हैं, तो आपके सामने सब देवता खड़े होंगे, सौधर्म भी खड़ा होगा, उसकी सची भी खड़ी होगी, तरह तरह की व्यंतर ज्योतिषी सब खड़े होंगे, आप किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, हमें मतलब क्या इनसे? समझ आ रहा है? और जिसका आपने चिंतन पहले कर रखा, जिनकी आपने पहले पूजा कर रखी, वो अगर आपके सामने खड़े हो गए तो आप कहोगे बस हमारा काम पूरा हो गया, ध्यान से हमें जो मिलना था मिल गया, बस हमें दिख गई हमारी देवी, हमारा देवता। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सम्यक बुद्धि थी ही नहीं ध्यान करने से पहले, ये यहां पर आकर के प्रकट हो जाएगा, इसलिए आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका मार्ग फिर वहां से विचलित हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए कहा गया धर्म ध्यान वही कर सकता है जो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि वही हो सकता है जिसे भगवान की आज्ञा सही ढंग से समझाई गई हो, मालूम हो, जो किसी व्यर्थ के चक्करों में ना पड़ रहा हो। सुन रहे हो? क्या करना है? जो करना है वही करना है कि वो मरम नमे करना है? समझदारों के लिए सारे ही काफ़ी होते हैं, ना समझो के लिए क्या भी कुछ भी बोलो कोई मतलब भी नहीं है, है ना? तो ये तो सब ज्ञानियों के काम है, ज्ञान वालों के लिए ही होते हैं, समझदारों के लिए ये समझदारी के रास्ते हैं। तो आठ कर्मों से रहित होकर के जैसे ही हमारा निर्मल पुरुष आकार वह आत्मा प्रकट होता है, तो उस आत्मा का चिंतन इस तरीके से जो किया जाता है, इसका नाम है तत्व रूपवती धारणा। समझ आ रहा है? और ये तत्व रूपवती धारणा होने के बाद में फिर जो वह अपने आप में ही महसूस करता है, मेरी आत्मा अरिहंती नहीं है, मेरी आत्मा सिद्ध बन गई है, फिर सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करता है, तो अपने ही पिंड में, अपने ही देह में, अब तो उसकी देह बची नहीं, देह में फिर भी उसको पिंडस्थ कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? तो वह केवल अपने को निर्मल एक आत्म स्वरूप, जैसा सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, वैसा ही मैं शुद्ध सिद्ध आत्मा यहाँ पर स्थित हूँ, इस तरीके से जो उसका अरिहंत में, सिद्ध में और अपनी आत्मा में जो ध्यान लगेगा, उसका नाम है पिंडस्थ धर्म ध्यान। सुन लिया? इतना विचार करने के बाद में जो उसके अंदर अपनी आत्मा का जो समय पर ध्यान आएगा, चिंतन आएगा, उस समय पर जो कुछ टिक पाएगा, जो उसके अंदर फीलिंग आएगी, वही कहलाएगा धर्म ध्यान। इस धारणाओं का ये फल है, और इस तरह के जो धर्म ध्यान किए जाते हैं उनके फल से क्या क्या प्राप्त होता है, तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार के पिंडस्थ ध्यान में जो निर्दोष रूप से प्रवृत्ति करता है, वह श्रीमद् सर्वज्ञ भगवान के समान अपने आप को मानता है, मेरु पर्वत के शिखर पर वह बैठा हुआ महसूस करता है, और जिसके लिए सब प्रकार के
प्रपंच दूर हो गए हैं, सब प्रकार के ज्ञेय पदार्थ जिसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लग जाते हैं, अनेक देवेंद्रों के समूह से भी जिसका अधिक प्रभाव बढ़ जाता है, इस रूप में जो अपने आप को चिंतन करता है, इस तरह के चिंतन में ही लीन होने का नाम मुनीश्वरों ने पिंडस्थ नाम का धर्म ध्यान कहा है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं एक बार अपने अंदर विचार तो लाओ कि मेरी आत्मा भगवान है, अभी तक हमने सुन रखा है लेकिन भगवान बनाने की प्रक्रिया अपनाओ। तो कितनी बार हम पत्थरों को तो भगवान बना चुके हैं, नहीं समझ आ रहा है, है? लेकिन अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए एक भी पंचकल्याणक नहीं किए, नहीं समझ आ रहा है, है? हाँ, उल्टा सौदर्विंद्र और बन करके बस नाचते गाते रह गए। पंचकल्याणक तो कर लिए लेकिन एक बार अपना तो पंचकल्याणक करो, ये पंच धारणाओं से अपना पंचकल्याणक होएगा। किससे होएगा? ये पांच धारणाएं आत्मा के पंचकल्याणक कराने के लिए है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। समझ आ रहा है? बस सुनो, एक बार सुन लो, दो बार सुन लो, फ्री में कैसेटें उपलब्ध है, सब यूट्यूब पे उपलब्ध है। समझ आ रहा है? बार बार करो, एक बार धारणा ना बने, दस दो बार सुनो, तीन बार सुनो, आखिर कुछ तो धारणा बनेगी। जब बन जाए तो समझ लो आज हमारे लिए हमने खुद अपना पंच कल्याण कर लिया, हमारा सारा का सारा जीवन का ज्ञान था वो सफल हो गया। समझ आ रहा है? ये खुद का पंच कल्याण करने की विधि बता रहा हूँ, पंच धारणाओं के माध्यम से आत्मा अपना पंच कल्याण करने लग जाता है। 34 से प्रकट हो रहे हैं, 34 से प्रकट होने का मतलब क्या है कि हमने अपने पंच कल्याण कर लिए, मैं खुद अरिहंत बन गया। हाँ? कहा जाता है ना, जैसा विचार करोगे वैसे बन जाओगे, तो विचार तो करो भगवान बनने के, अरिहंत बनने के, सिद्ध बनने के। हाँ? डर लगता है महाराज, क्या डर लगता है? मना किया गया, स्त्री तो भगवान बन ही नहीं सकती महाराज। अरे जब स्त्री का शरीर जला दिया तब स्त्री बची कहाँ? क्या समझ आ रहा है? शरीर में ही तो स्त्री है, आत्मा तो स्त्री नहीं है ना। हाँ? तो स्त्री ने भी अगर ध्यान किया तो स्त्री भगवान को छू नहीं सकती, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती। अरे तू खुद भगवान बन सकती है, देख तो है, तूने कभी सोचा ही नहीं? कितनी बड़ी बड़ी विधि लिखी है, क्या मना किया कि यहां पर स्त्रियों को ये पिंडस ध्यान नहीं करना? सम्यक दृष्टि स्त्रियां नहीं होती क्या? आज्ञा विषय भगवान की आज्ञा मानने वाली स्त्रियां नहीं होती क्या? अरे पुरुषों से ज्यादा तो स्त्री मिलेंगी, तुम सब लोग तो दिखा दे कि वो मुकुट लगा करके खड़े हो जाते हो। क्या समझ आ रहा है? है सबसे ज्यादा विश्वास व्रत तप धारणा अगर है तो स्त्री जाति में ही है, तो स्त्री ही सबसे पहले भगवान बनेगी। पुरुषों तुम तो ध्यान रखो, वो स्त्रियां पहले पुरुष बनेंगी, तुम पुरुष बनने के बाद में अगर तुम उनके पीछे पड़े रहे, तुम पहले स्त्री बनोगे फिर बाद में फिर पुरुष बनोगे। लंबा चक्कर है तुम्हारे लिए। हाँ, उल्टा ही होने वाला है। समझ आ रहा है? तो स्त्रियां खुद महसूस करें, मैं किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं हूं, मैं किसी देवी देवता की पूजा क्यों करूं जब मैं ही खुद अरिहंत बनने की क्षमता, खुद मैं अपने आप में अरिहंत का चिंतन कर रही हूं, खुद अपने आप को पारसनाथ वर्धमान स्वामी जो तुम्हें भगवान अच्छा लगे मैं ही बन गया। समझ आ रहा है? स्त्री तो केवल शरीर में थी, कर्म के उदय में थी, जब कर्म जल गए, शरीर जल गया, तब स्त्री बची कहां? आत्मा तो स्त्री नहीं होती ना, आत्मा तो आत्मा है। तो वह आत्मा अपने आप को बिल्कुल स्त्री की भी आत्मा अपने आप को बिल्कुल चैतन्य पुरुष के आकार में, पुरुष का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी मतलब पुरुष के जो अंग हैं, पुरुष का जो शरीर है, उस पुरुष के शरीर में केवल जो है बस उसके जैसे हाथ पैर मस्तिष्क इत्यादि जो स्थान होते हैं बस इतना ही उस आत्मा के प्रदेशों का विन्यास रह जाता है, उस रूप में चिंतन करना। समझ आ रहा है? तो अगले जन्म में जो बनोगे वो बाद में बनोगे, अगले जन्म में पर्याय छूटेगी तब छूटेगी, पहले उस पर्याय को यहीं पे छोड़ लो, यहीं पे चिंतन कर लो, क्या बिगड़ रहा है? बड़ा सोचो तो बड़ा बनोगे। तो कहा जा रहा है इस प्रकार का जो धर्म ध्यान करता है, जैसे सूर्य के उदय होने पर उल्लू भाग जाते हैं, समझ आ रहा है, ऐसी पिंडस्थ ध्यान रूपी विद्या जिसके पास में होती है, उसके पास में अन्य जो विद्याएं हैं जो उसको दुखी बना देती हैं,
अन्य प्रकार के जो मंत्र होते हैं, मंडल होते हैं, कोई आपके ऊपर टोना टुटका कर रहा है, कोई देवता चढ़ गया है, कोई भी परेशान कर रहा हो, उस सबके उपाय के लिए कहा गया है कि इस प्रकार का पिंडस्थ ध्यान करने वाला जीव इन सब उपद्रवों से अपने आप को बचा लेता है। क्या समझ आ रहा है? देखो दुनिया में कितने लोग हैं परेशान हो रहे हैं, किसी को भूत चढ़ जाता है, किसी के ऊपर कोई चढ़ देवी चढ़ जाती है, कोई कहीं चिल्ला रहा है, कोई कहीं चिल्ला रहा है, उनको ये पिंडस्थ ध्यान करवाओ, ये लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? वो अगर इस तरीके की सामर्थ्य अपने अंदर प्रकट करेंगे, यहाँ लिखा है कितना ही बड़े से बड़ा दैत्य हो, दैत्य है ना, दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, कोई भी आपके ऊपर क्रूरता का व्यवहार कर रहा हो, किसी भी तरीके के टोने टोटके कर रहा हो, अनेक तरीके के अविचार आदि कर्म भी होते हैं, दूसरों को मारने के लिए भी मंत्र तंत्र फेंकने वाले भी होते हैं, समझ आ रहा है? अगर कोई इतना बड़ा भी काम कर रहा हो तो भी आचार्य यहाँ कह रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस तरीके से पिंडस्थ ध्यान करेगा। समझ आ रहा है? आसी विष सर्प भी अगर आपके सामने खड़ा हो गया हो, सर्प, समझ आ रहा है, हाथी भी पागल होकर के आपके सामने खड़ा हो गया हो, शेर भी आपके सामने मुंह पार करके खड़ा हो, आप उस समय पर ये पिंडस्थ ध्यान में बैठ जाओ, कोई भी प्रभाव किसी भी जीव जंतु का आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये जिनवाणी कह रही है। समझ आ रहा है? लेकिन हिम्मत इतनी होनी चाहिए, हाँ, कि हाथी सामने पागल खड़ा हुआ हो और सिंह सामने खड़ा हुआ हो और तुम धर्म ध्यान कर पाओ, हैं? तो जब नहीं खड़ा सामने, उससे पहले तो कर लो ताकि वो आकर के खड़ा ना हो पाए। खड़ा होने के बाद तो कुछ नहीं होना, वो तो मुझे ही मालूम है। खड़ा होने से पहले कर लो कि जब वो सिंह नहीं खड़ा तब तक तो कर लो, जब तक शांति से बैठे हो तब तक तो कर लो, ताकि कोई ऐसे उपद्रव आए ही नहीं। समझ आ रहा है? इन सब उपद्रवों को दूर करने के लिए, अब आप दूसरे कितने ही बाबाओं के, पीर बाबाओं के चक्कर में पड़े रहो, कितने ताबीज और वो कुछ भी पहनते रहो, कुछ भी होने वाला जाने वाला नहीं जब तक आप अपनी सामर्थ्य खुद अपने अंदर प्रकट नहीं करोगे। समझ आ रहा है? लिखा है बड़े बड़े ग्रह राक्षसों की पीड़ा है। समझ आ रहा है? अब आप कह रहे हो मंगल की दशा चल रही, कि शनि की दशा, कि राहु चढ़ रहा है, कि केतु आ रहा है, समझ आ रहा है? ये सब दशाएं बसाएं ये सब उनके लिए हैं जिनका धर्म ध्यान करने में मन नहीं लगता है। जो ये पिंडस्थ धर्म ध्यान करेंगे उनकी सब दशाएं बदल जाएंगी, ग्रहों के चक्कर सभी दूर हो जाएंगे, सब प्रकार के राक्षस वगैरह जितनी भी खोटी चीज़ें हैं, दुष्ट उपद्रव हैं, ये सब इस पिंडस्थ ध्यान से दूर होते हैं, और सब प्रकार के विघ्न जो आगे और हम ध्यान बताने वाले उनमें भी अगर उत्पन्न होने वाले विघ्न होंगे तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान में लीन होगे अनेक तरह की शक्तियाँ विद्याएँ आपके पास आएंगी, विघ्न भी आएंगे, और उन विघ्नों को दूर करने के लिए पहले से आपके पास में सामर्थ्य होनी चाहिए, वो इसी पिंडस्थ ध्यान से आती है। ठीक है, सुन तो आपने बहुत लिया, अब कुछ करना भी है कि नहीं है? चलो थोड़ी देर अब बैठते हैं, इसका कंक्लूजन जो हुआ है पूरा उसको 10 मिनट में ध्यान के रूप में निपटाते हैं। सीधे बैठे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, मुख पर शांति, आंखें बंद, प्रसन्नता के साथ में पिंडस्थ ध्यान करने का मन बनाए। अपने आप के चारों ओर के वातावरण को बिल्कुल शांत और अपने आप को बिल्कुल सब प्रकार के वातावरण से भिन्न महसूस करने के लिए, अपने को बिल्कुल अलग अनुभव करने के लिए 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करें। ओ
गहरी श्वास लेकर विचार करेंगे, एक बहुत बड़ा समुद्र है, क्षीर समुद्र, एक राजू तक असंख्यात किलोमीटरों तक फैला हुआ, जिस विशाल शांत समुद्र के बीचों बीच में जम्बूद्वीप के बराबर एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। हजारों पत्ते उस कमल के हैं, उस कमल की नाभि पर सुमेरु पर्वत अंकित है, जिसकी प्रभा से चारों ओर सुनहरा वातावरण है, चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही है। उसी कर्णिका के ऊपर मध्य भाग में एक बहुत बड़ा चंद्रमा की किरणों से व्याप्त, चंद्रमा के समान सफेद निर्मल शुद्ध सिंहासन बना हुआ है, जिस सिंहासन के ऊपर मैं बैठा हूं। गहरी श्वास लेते हुए अरहम को श्वास के माध्यम से अपने नाभि कमल तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं श्वास लेकर के नाभि के कमल को खिलता हुआ देख रहा हूं, जिस नाभि कमल में 16 पत्ते हैं बड़े बड़े, जिन 16 पत्तों पर मैंने 16 स्वरों की रचना कर रखी है, अ आ इ ई उ ऊ री री लरी ली ए ऐ ओ औ अंग, बीचों बीच में अरहम लिखा हुआ है। एक गहरी लंबी श्वास लें जो हृदय स्थान तक पहुंचे, और हृदय में एक अधोमुखी कमल की रचना करें, जिस कमल का मुख नीचे की ओर है, जिसमें 8 पत्ते हैं और उन 8 पत्तों पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। महसूस करें जो अरहम लिखा हुआ था, उस अरहम के हा अक्षर के ऊपर जो रेफ है, उसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। उस रेफ में से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ स्फुलिंगे निकल रहे हैं, फुलिंगों की कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे वह फुलिंगे भी और बढ़ते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वह अग्नि की लौ सी दिखने लगती है, वह लौ भी और बढ़ती चली जा रही है, और वह लपटों का लूप ले रही है। बहुत बड़ी बड़ी अग्नि की लपटें हमारे उस हृदय कमल में जो 8 कर्म थे उनको जला रही हैं। धीरे धीरे वो लपटें हृदय कमल तक पहुंच गई हैं, वह कर्म जल रहे हैं। मैं निश्चिंत होकर के उन कर्मों को जलता हुआ देख रहा हूं। ओम अरहम नमः। मैं अपनी अग्नि को और बढ़ाता चला जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं ओम अरहम नमः का स्मरण करता हूं, अग्नि और प्रज्वलित होती है। ओम अरहम नमः।
शरीर के चारों ओर त्रिकोण आकार में अग्नि का मंडल बना हुआ है, जिस त्रिकोण के अंत में स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है और उसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर वायुमंडल है जो पीत रंग का वातावरण लिए हुए है। चारों ओर मेरे शरीर में त्रिकोणाकार से वह अग्नि जल रही है। मेरा शरीर उस अग्नि से जलने लगा है, मेरा शरीर उस अग्नि से जल रहा है। मैं शरीर को जलते हुए देख रहा हूँ, जैसे कोई पड़ोसी का घर जल रहा हो, मैं ऐसे अपने शरीर को जलता हुआ देख रहा हूँ। यह शरीर जलता ही है, आत्मा के निकलने के बाद जलता है, मैं इसको साक्षात पहले से ही जलता हुआ देख रहा हूँ। मेरा आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है, मैं चिंतन में लीन हूँ। मैं ज्ञायक स्वभाव वाला, एक स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह नौकर्म है। जलते जलते अग्नि पूरे शरीर में फैल गई है, पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा बैठा देख रहा हूँ। उस जलती हुई अग्नि ने शरीर को जला दिया। जो हमारे नाभि में अग्नि जल रही थी, रेफ से जो अग्नि निकल रही थी, उसको भी उसने जला दिया। कर्म को भी जला दिया, सब कुछ उस अग्नि ने अपने मुंह में सब कुछ ले लिया और सब एक अग्नि हो गई। पूरा वह अग्नि का मंडल अब उसको जलाने के लिए कहीं कोई और बढ़ाने के लिए ईंधन नहीं मिल रहा, तो वह अग्नि धीमे धीमे शांत हो रही है। सब कुछ जल चुका है, कर्म शरीर, कर्म से होने वाले भाव, मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ जो अभी भी महसूस कर रहा हूँ। अग्नि पूर्णतया शांत हो गई है, चारों तरफ राख बिखरी पड़ी है शरीर की। आत्मा से वह राख जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, चारों ओर आत्मा अभी भी उस राख से ढकी हुई है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बहुत तेजी से, वेग से चारों ओर हवा चलने लगी है, आंधी चलने लगी है, तूफान प्रचंड वेग से चारों ओर बहने लगा है। उस तूफान की प्रबल वायु में मेरे आसपास पड़ी हुई सारी राख उड़ रही है, सब राख के कण कण तितर बितर हो गए। पूरी राख इधर उधर उड़ करके बहुत तेज वेग के साथ चारों ओर फैल गई। तेज वेग के साथ वह तूफान क्षण भर के लिए आया, सब राख उड़ा करके ले गया और वह तूफान भी शांत हो गया। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अचानक से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी, चारों ओर मेघों की गर्जना होने लगी, बहुत घमासान बारिश की तैयारी हो गई है।
वह चारों ओर से एक बहुत अमृतमय जल की वर्षा बड़ी बड़ी बूंदों के साथ हो रही है और वह हमारे शरीर के ऊपर भी गिर रही है। हमारी आत्मा के शरीर के ऊपर भी वह वर्षा हो रही है और वह आत्मा का ज्ञान शरीर उस ज्ञान के ऊपर लगा हुआ तरह तरह का मैल सब धुल रहा है, चिपकी हुई राख भी सब साफ हो रही है, आत्मा का प्रक्षालन हो रहा है, मेरी आत्मा का अभिषेक हो रहा है अमृतमय वर्षा से। वह वर्षा भी पूर्ण होकर के खूब देर तक होकर के शांत हो गई, चारों ओर कोई भी पानी नहीं बचा। आत्मा पर, ज्ञान शरीर पर लगी हुई बूंदें भी टप टप करके बिल्कुल सूख गईं, शांत हो गईं। स्वयमेव आत्मा निर्मल मनुष्य के आकार की वह आत्मा का आभास, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर मेरी आत्मा का प्रकट हो गया है। चारों ओर अनेक तरह के नगाड़े बाजे शंख घंटाओं की ध्वनि आ रही है, अनेक देव लोग हमारे आसपास आ चुके हैं, वह जय जयकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देख रहा, किसी को नहीं सुन रहा, मैं सिर्फ अपने आत्म स्वभाव का चिंतन कर रहा हूँ। किसी देव से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, सभी प्रकार के अतिशय मेरी आत्मा में प्रकट हो गए हैं। मेरा आत्मा सभी प्रकार के कल्याणों से युक्त हो गया है। चारों ओर देव लोग चमड़ हो रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, छत्र लगाए हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, मैं भगवान अरहंत देव की तरह शांत बैठा हूँ, अपने ही आत्मानंद में लीन हूँ। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थोड़ी ही देर में सभी देवलोक चले गए, सिर्फ मेरा आत्मा बचा है, ज्ञानमय शरीर है। मेरी आत्मा की चैतन्य परिणति असंख्यात आत्म प्रदेशों में प्रकट हो चुकी है। सिद्धों के समान मैं अपने आप को निराबाध, अव्याबाध, सुख से परिपूरित अनुभव कर रहा हूँ। सिद्ध भगवान की तरह मैं अदृश्य हो गया हूँ, सूक्ष्म हो गया हूँ, मुझे दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मैं दुनिया को देख रहा हूँ, दुनिया को, जगत को मैं जान रहा हूँ। अपने ही ज्ञान आनंद में लीन मैं अरहममय हो गया हूँ, मैं अरहम बन गया हूँ, मैं शुद्ध सिद्ध आत्मा बन गया हूँ। अरहम मैं सिर्फ अरहम हूँ, शुद्ध सिद्ध आत्मा हूँ। मेरा अहंकार, मेरी कसाएं सब जल चुकी हैं। अरहम
केवल शुद्ध सिद्ध अरहममय महसूस करें। दोनों हथेलियों को घिसकर पुनः अपने शरीर में आए, आंखों पर हाथ रखें, मुख पर हाथ रखें, शरीर पर अपने ऊर्जावान हाथों से शरीर को ऊर्जा दें। बाकी की ऊर्जा विश्व में हर प्राणी के लिए इसी तरह का शुद्ध सिद्ध ध्यान उत्पन्न हो इस भाव से प्रवाहित करें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। ओम।